आणि रसना रसना पाने बिला रसना पाने बिला रसना आस आ के लिए दवा ले ले। कहकशा बेगम, वो मिर्जा से कहो कि भाई वकील से राबता करे, उससे डेट ले, वो हमारे जो फ्रीज अकाउंट है भाई वो खुलवाए। वो किसी के घर में फकीरों की तरह कैसे पड़े रहेंगे कब तक? आपकी तबीयत ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। वो आयस को बताया? आ जाएगा चंद दिनों में। नई नई नौकरी है ना, निकलना मुश्किल होता है, लेकिन आप फिक्र मत करें, फाइज बहुत समझदार है, ज़हीन है, मामला आपको संभाल लेगा। मम्मी, वो फाइज भाई आ रहे हैं। क्या, कहाँ? कि मुझे कॉल आई थी, मुझसे लोकेशन मांग रहे थे। मैंने उनको यहाँ की लोकेशन भेजी, मुझसे नाराज हो रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, किसके पास। उनके इस रवैये से बहुत डर लग रहा है। आने दो उसे, मैं संभाल लूंगी। क्या चाहिए? नहीं, बस दिमाग परेशान रहता है। मत परेशान, मिस हरीम, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा। मैं कुछ समझी नहीं, किस लिए? माँ अक्सर बेमाने और बेमौका कुछ ना कुछ कह जाती हैं, आप प्लीज माइंड मत किया करें। उनकी जहनी कैफियत समझ सकती हूँ, इस वक्त वो सदमे का शिकार है। उसे जब भी अपने दिल की बात कहती हैं तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। दिल की बात कह देने से इंसान बहुत बेहतर महसूस करता है। हाँ रीम बीबी, ये तो आपकी पुरानी आदत है, लोगों से दिल की बात कहना। उसके बाद लोगों की जिंदगी अजीरन करके खुद हल्का फुल्का रहना। भाई आप चलिए मेरे साथ, चलिए।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस पूरी दुनिया में कोई और कोशा, कोई और ठिकाना नहीं मिला था आप लोगों को। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यही आके रहना था आप लोगों ने इस घर में, इसके घर में। ये वो आखिरी चेहरा है जिसको मिलने की ख्वाहिश थी मुझे। वो आखिरी शख्स जिसको मिलने की आरजू रखता था मैं। कोई हैरत नहीं हुई मुझे। गुलाब अपनी फितरत से बेबस से और कांटे अपनी हस्ती से मजबूर। रोंदने वालों को खुशबू का तोहफा देना भी एक हुनर है जो हर किसी को नहीं आता। और सहारा देने वाले हाथों को लहूलुहान कर देना भी आदत की मजबूरी है। वो कम अकल और बेवकूफ नहीं रहा जो मसनूई पत्थरों का खरीदार हुआ करता था। खैर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जब तक दुकान खूबसूरत खरीदार मौजूद। फाइज, बेवकूफ और कम अकल तो थे ही आप, बदतमीज और बद तहजीब भी हो गए। लेकिन याद रहे, ये आपका शानदार महल नहीं है जो आपके गंदे गलीज इल्जामों का बोझ सहकर मुस्कुराता रहेगा। मेरा घर है ये, मेरी पाकीज़गी और तकद्दुस का गवाह। पाकीज़गी, तकद्दुस, गवाह, ये खामोश दीवारें, और ये कौन है? तुम्हारा शरीक है चोर या फिर वादा माफ गवाह? जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इस तरह बात करने की? शरई और कानूनी तौर पे आपकी बेटी का शौहर। हमें किसी किस्म के झूठे और बेबुनियाद रिश्तों की कोई जरूरत नहीं है, समझे?